Welcome to JetTutors. It is general online class for physics chemistry math. Today we are studying calculus. It is video number 10. We are in RS Agarwal book exercise 10B. बहुत अच्छा समझा दिए हैं. 35 तक लोग बना चुके थे. दो चार क्वेश्चन बना के दिखाते हैं. क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 38 देखिए, 40 देखिए. दो तीन क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं. So look here. 36 नंबर y इक्वल टू 10 इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई ए एक्स. तो बोलिए क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे. ए एक्स को करना पड़ेगा. 1 प्लस साइन का कोई फॉर्मूला नहीं, 1 प्लस कोस का भी फॉर्मूला है, 10 का फॉर्मूला है. बताया मैं तुम्हें ए एक्स इक्वल टू मान सकते हैं लोग 10 थीटा. क्यों 10 दिए हैं. 1 प्लस साइन स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 प्लस कोस स्क्वायर भी कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है. 1 प्लस कोट भी कर सकते थे लोग, कोट भी कर सकते थे. तो अब क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स बोलिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई क्या हो गया 10 थीटा. y इक्वल टू क्या हो गया 10 इनवर्स 1 प्लस 10 से क्या होता है 6 थीटा होता है माइनस 1 बाई क्या हो गया 10 थीटा. साइन कोस में चेंज करिए, लग रहा है 11 क्लास का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं. 1 बाई कोस माइनस 1 साइन बाई कोस. y इक्वल टू क्या हो गया 10 इनवर्स कोस एलसीएम में काटेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस बाई साइन. एकदम लग रहा है पहले वाला क्वेश्चन आ गया. अब क्या करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2. y इक्वल टू क्या हो गया 10 इनवर्स 2 टू कट जाएगा साइन थीटा बाई 2 बाई कोस थीटा बाई 2. y इक्वल टू 10 इनवर्स क्या हो गया 10 थीटा बाई 2 आ गया थीटा बाई 2 यानी 1 बाई 2 थीटा. थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए यहां से निकालिए 10. आप समझ रहे हैं थीटा का क्या होगा 10 इनवर्स क्या होगा ए एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई 2 क्या होता है 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्या करेंगे ए एक्स. 10 का हो गया ए एक्स क्या होगा ए इंटू 1. तो आंसर क्या आ गया ए बाई 2 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर. क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ गया. अच्छा से नोट कर लीजिए और बना के दिखा रहे दो चार. अब तो पूरा क्लियर हो गया, पूरा क्वेश्चन बनाइए, सॉल्व भी बनाइए. 38 नंबर देखिए, y इक्वल 10 इनवर्स ई टू एक्स प्लस 1 बाई ई टू एक्स माइनस 1. कैसे बनाएंगे ई टू एक्स को तुमको एज्यूम करना पड़ेगा. 1 इसमें से तुम्हें y इक्वल टू 10 इनवर्स 1 प्लस ई एक्स का स्क्वायर 1 प्लस ई टू एक्स माइनस कॉमन कर लिए और 1 माइनस ई टू एक्स लिख सकते हैं. सॉरी क्लियर है. अब क्या करेंगे ई टू एक्स को मानिए 10 थीटा, ई टू एक्स को मानिए 10 थीटा. तो क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू क्या माइनस 10 इनवर्स 1 प्लस 10 थीटा बाई 1 माइनस क्या होगा 10 थीटा. ये किसका फॉर्मूला है बताइए, ये किसका फॉर्मूला है 10 का. याद हो गया फॉर्मूला, 10 बार लिखे होंगे तो याद हो गया होगा. पाई बाय 4 प्लस थीटा होता है पाई बाय 4 प्लस थीटा. 1 प्लस 10 थीटा बाई 1 माइनस 10 थीटा माइनस को मन कर लिए हैं तो 1 माइनस ई टू एक्स क्या हो गया ई टू एक्स का वैल्यू माइनस में हो गया और 1 प्लस हो गया माइनस को मन कर लिए हैं तो वाई इक्वल टू क्या माइनस क्या बच गया पाई बाई 4 प्लस थीटा. यानी क्या हो गया y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 प्लस यहां तक समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए क्या होगा इधर लाएंगे तो 10 इनवर्स e का पावर क्या होगा 2x होगा 10 इनवर्स e 2x 10 थीटा में थीटा निकाल दिए 10 इनवर्स e 2x. तो बोलिए dy वाई बाई डी एक्स पाई बाई 4 का 0. 10 इनवर्स क्या था 1 बाई 1 प्लस x का स्क्वायर कौन स्क्वायर x e 2x का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर कौन है स्क्वायर एक्स ई टू एक्स. ई टू एक्स क्या होता है ई एक्स का ई एक्स होता है ई टू एक्स क्या होगा ई टू एक्स और ई एक्स का क्या होता है ई एक्स सॉरी टू एक्स टू सॉरी ई टू एक्स का ई टू एक्स और फिर टू होता है 2 इंटू 1 यानी क्या आंसर आया 2 ई टू एक्स बाई 1 प्लस ई का पावर 2 4 एक्स. ऐसे मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं. क्लियर है, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, पूछना है तो पूछ लीजिए. लुक हियर, थोड़ा बहुत क्लियर हो गया, आज खत्म करने वाले हैं. 40 नंबर देखिए, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स जितना भी सॉल्व क्वेश्चन है उसको बनाना चाहिए 1 प्लस ए एक्स.
इसको मैं कैसे बनाऊंगी, 1a - x / 1 + ax, इसमें x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्या सब्स्टिट्यूट करें, x = a cos θ, क्यों 1 - cos θ फॉर्मूला होता है, 1 + cos θ होता है, x का वैल्यू a cos थीटा पुट करिए, तो 40 से उसके आगे के लिए देखिए, हम लोग पढ़े हैं 12th क्लास का चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए इनवर्स फंक्शन में याद है कई फॉर्मूला पढ़े हम लोग, tan इनवर्स x प्लस y इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये वाला कॉन्सेप्ट से बनेगा, tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बाई 1 - tan इनवर्स x tan इनवर्स y, पढ़े हैं या इसको ऐसे लिख सकते हम लोग, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई ये कॉन्सेप्ट, सॉरी ये कॉन्सेप्ट से बनेगा, प्लस अगर ऊपर प्लस नीचे रहता है माइनस, तो देखिए इसको हम लोग कोई सब्स्टिट्यूट नहीं करते, ध्यान देखिए इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, ध्यान देखिए क्वेश्चन को लिख रहे हैं एक दो बना के दिख रहे हैं ax, इसको लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स x, 12th क्लास का फॉर्मूला में है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स x by 1 प्लस ax, अब हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, a है x तो है नहीं, जीरो हो जाए कॉन्स्टेंट हो गया, x का तो 1 by 1 plus x square minus 1 by 1 plus x square, फिर देखिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर चुके हैं 12th क्लास में, tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y, tan इनवर्स x plus y by 1 plus x y, माइनस रहेगा तो क्या होगा माइनस, प्लस रहेगा तो क्या होता है प्लस, tan इनवर्स x minus tan इनवर्स y equal to tan इनवर्स x minus y by 1 plus x y, इस फॉर्म में हम लोग बना सकते हैं इसको, ये है तो और दो तीन क्वेश्चन देखिए इसी कॉन्सेप्ट से बनने वाला है, tan इनवर्स रूट एक्स, देखिए 41 नंबर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स बाय एक्स का पावर 3/2 लिख सकते हैं, एक्स रूट एक्स पावर 1.5 3/2, अब इसको अलग अलग करके क्या लिखेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं रूट एक्स माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा 1/1 + x² कौन है उसका एक्स रूट एक्स, टेन हो गया रूट एक्स क्या होता है 1/√x, ये क्वेश्चन खत्म, फिर टेन इनवर्स एक्स क्या होता है 1/1 + x², तो फाइनल आंसर क्या गया 1/2 को यहां लिख दिए 1 + √x² एक्स होता है इंटू रूट एक्स माइनस 1/1 + x². 41 नंबर देखिए 42 y को लिख सकते हैं tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं रूट ए प्लस tan इनवर्स रूट एक्स लिख सकते हैं रूट ए एक्स, देखिए रूट ए प्लस रूट एक्स बाई 1 - √a√x, अब बोलिए डिफ्रेंसिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, रूट ए का जीरो एक्स नहीं है उसमें, रूट एक्स क्या हुआ 1/1 + x² कौन है उसका एक्स रूट एक्स, और इसका था 1/2√x, तो फाइनल आंसर क्या है 1/2√x को पहले लिख दिए और 1 + x, अंडरस्टूड कैसे इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में सारा क्वेश्चन, प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस, माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस, और एक क्वेश्चन देखिए 43 नोट कर लीजिए, इतना तक क्वेश्चन बना दिया तो क्लियर हो गया, 43 नंबर देखिए क्या दिया हुआ, tan इनवर्स 3 - 2x बाय 1 + लिख सकते हैं 3 × 2x 6x को लिख सकते हैं, 43 नंबर पे 1 + 6x दिया हुआ है 3 × 2x लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स क्या हो गया 2x, अब बोलिए एकदम इजी हो गया, dy बाई dx जीरो होगा, x नहीं है जीरो होगा, 1/1 + x² कौन है उसका x 2x, 2x क्या होगा 2/1 + 4x² तो क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए और दो चार बना के दिखाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो चल रहा है, चलिए 46 नंबर देखिए y = tan inverse ax - b / bx + a, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग,
tan इनवर्स कैसे हम अप्लाई किए, नीचे में क्या होता फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई बाई वन वन होना चाहिए, वन नहीं है तो जरूर यहाँ पे हम लोग ए को मन कर सकते हैं, ऊपर में भी ए को मन करिए क्या बचेगा, एक्स माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं, एक्स माइनस बी बाई ए, नीचे में ए को मन करिए तो यहां वन बचेगा और बी बाई ए एक्स बचेगा, अस्वर इसमें ए नहीं था कॉमन कर लिए तो ए से डिवाइड होगा, या समझिए सबको ऊपर नीचे ए से डिवाइड कर दिए, ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि ऊपर नीचे सबको ए एक्स बाई ए माइनस बी बाई ए बी एक्स बाई ए प्लस ए बाई सबको ए से डिवाइड कर दिए समझिए, तो क्या हो जाएगा ये बी बाई ए है, ए एक्स में एक्स बचेगा, नीचे वाला बी एक्स बाई ए बचेगा और प्लस वन बचेगा। अब आगे फॉर्मूला में लिख सकते हैं इसको, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स b बाई ए, तो अब क्या हो जाएगा dy वाई बाई डी, एग्जाम क्वेश्चन है दो तीन बार एग्जाम आ चुका है सीबीएसई बोर्ड में, वन प्लस एक्स स्क्वायर बी में लिए x तो वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, अंडरस्टूड। देखते हैं 48 नंबर कौन बनाया होगा अपने से भी, सेक है इसको सकते हैं कोस इनवर्स एक्स माइनस वन बाई उल्टा कर दिए और साइन को रहने दिए, जो अलिभंत पढ़े हैं हमसे ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स जानते होंगे, कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स 90 डिग्री होता है, कोस इनवर्स एक्स जैसे होता ना कोस का अगर 1 बाई टू और साइन का भी सेम हो जाए 1 बाई टू हमेशा 90, 1 बाई टू 60 इसका 30 होता है तो क्या 90, कोस का जितना एक्स है उतना ही साइन का रहेगा तो सीधे 90 लिखिए और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 0 बताइए, अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए देख लीजिए समझ में आया है कि नहीं। 49 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, वाई इक्वल टू साइन टू टेन इनवर्स रूट ओवर वन माइनस एक्स, ये क्वेश्चन है कैसे सब्स्टिट्यूट करें, तो सबसे पहले तो एक्स का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है क्या करें, कोस थीटा बहुत बार कट वन प्लस कोस थीटा भी होता है, वन प्लस कोस थीटा भी साइन नहीं होता टेन नहीं होता है, तो बोलिए क्या होगा साइन टू टेन इनवर्स, अब तो याद हो गया वन प्लस कोस थीटा बाई वन प्लस कोस थीटा, वाई का वैल्यू क्या कुछ नहीं किया साइन टू टेन इनवर्स वन माइनस कोस थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू 2 cos square theta by 2, y equal to क्या है sin 2 tan inverse, क्या हो गया काट दे 2 इसी तरीके tan theta by 2, y का वैल्यू क्या है sin 2 tan tan हट जाएगा theta by 2 tan tan हट गया कट गया, यानी इतना सिंपल हो गया y equal to sin theta, theta हटा दीजिए, कैसे हटाएंगे cos inverse क्या लिखेंगे x, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा साइन का क्या होता है साइन का क्या होता है कोस, साइन का क्या होता है कोस, कोस ऑफ क्या कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स में आ गया वन बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के साथ ये हट जाएगा एक्स बचेगा माइनस बचेगा वन माइनस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर देखिए एक्स का वैल्यू कोस थीटा पुट किए हैं वन माइनस कोस थीटा वन प्लस कोस थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू 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 कट गया रूट हट गया स्क्वायर हट गया साइन बाई कोस बच गया टेन थीटा बाई टू, दसों बार यूज कर चुके हैं ये फॉर्मूला, अब टेन टेन हट गया थीटा बाई टू, देख रहे हैं कितना जटिल दिख रहा कॉम्प्लेक्स बट बनाने में बहुत ईजी रहा, साइन थीटा बच गया थीटा का वैल्यू हटाइए कोस इनवर्स एक्स, अब क्या करेंगे साइन कोस इनवर्स एक्स क्या होता है फॉर्मूला, साइन का क्या होता है कोस थीटा, कोन एक्स का थीटा कोस इनवर्स एक्स, अब क्या करेंगे कोस इनवर्स एक्स का माइनस वन बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर है, अंडरस्टूड नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 भी एग्जाम में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में, बहुत इजी है, देखिए पहले पहचानना पड़ेगा बाहर में टेन है और अंदर में दिया वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स, रूट के अंदर जब भी ऐसा रहता है बोलिए क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, टेन तो होता नहीं है साइन होता नहीं है कोस थीटा, अब आपको सब्स्टिट्यूट करिएगा तो क्या दिखाई देगा वन प्लस कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा वन प्लस कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा, कुछ नहीं किया है एक्स की जगह कोस थीटा लिख दिए, आप बोलिए किसको पता है वन प्लस कोस थीटा टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू
होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है? रूट ओवर सबका रूट 2 कॉमन करके काट दे, सबका रूट 2 काट दे, रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, रूट टू सब कट जाएगा, क्या बचेगा? कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब फिर अगर ये फॉर्मूला दिख रहा है सबको कोस से डिवाइड करेंगे तो दिखेगा 1 माइनस टेन थीटा 2 बाई 1 प्लस टेन थीटा बाई। ऑल अबाउट प्रैक्टिस, देखते ही पता चल रहा है। हम डायरेक्ट चाहते तो ऐसा भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला एक्चुअली किसका, टेन का पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 है कि नहीं, टेन का पाई 4 माइनस थीटा बाई 2। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब एग्जाम में, टेन टेन हट गया सीधे, इतना समझ लीजिए 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री था। अब क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2, थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा जितना तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स 0 माइनस 1 बाई 2 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है 1 बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन जो बना है 49-50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जो बना लेगा उसको पहले वाला पूरा का पूरा इजी लगने वाला है। चलिए वाई लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, खत्म होने वाला है, नाम था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करने बोल रहा है क्वेश्चन, बोला सर डिफरेंशिएट करने बोल रहा है, आप डिवाइड बाय दिया टू का पावर, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 2 का पावर x प्लस 1 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का पावर x 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर x का स्क्वायर, 2 2 जब 4 होता है पावर पर मल्टीप्लाई, सजा के लिख दिए। अब क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे 2 का पावर x को क्या मानेंगे, बोलिए होता है 2 sin theta by 1 plus, कोई फर्क नहीं है, 2 cos theta by 1 plus cos भी कुछ नहीं होता है, लेकिन 2 tan theta by 1 plus tan square theta किसी का फॉर्मूला है, देखते ही पता चल जाता है क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने वालों के लिए, ठीक है 2 tan theta, बात समझ में आया, क्या कहते वेरी हाई लेवल का क्वेश्चन था। अब क्या हो गया, ये आराम से sin का 2 theta, क्लियर है? अब आराम से हटाइए, अब इतना इजी हो गया। अब थीटा को हटाइए तो क्वेश्चन क्या हो गया, 2 हटाइए थीटा को तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2 का पावर एक्स। अब तो हो गया क्वेश्चन बहुत इजी, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, 2 बाहर में है, 2 बाहर में है, पुट कर दिए, क्या था 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, कौन है उसका x, 2 का पावर x, 2 टेन का भी हो गया, किसका बचा हुआ 2x का, ज्यादा किसी को फर्क नहीं, 2 का पावर x log 2, यानी क्या 2 का पावर x log 2 y 1 प्लस 4x, 2 का स्क्वायर 4x, या आंसर ऐसे लिख दिया 2 का पावर x प्लस 1 लोग 2 बाई को गूगल सर आंसर नहीं मिला, आंसर चेक कर ऐसा भी लिखा होगा, यही आंसर सही है। इस तरह से सारे अगर आप वीडियो नंबर 10 तक देख लिए होंगे तो डिफरेंशिएशन जो एग्जाम में आता है वो स्टार्ट हो गया है, एग्जाम में 10D से आता है, उसके बाद के क्वेश्चन से आता है, 10D से स्टार्ट होता है, 10D जितना भी सोल्व क्वेश्चन है आप बनाइए, सब बनेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्लियर है? नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें बताया जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे उनको डिफरेंशिएट करते हैं, अगला वीडियो में।